भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी चैप्टर टू डी के गोयल सर की बुक से अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म की, जिसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 48 तक अब तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49, जिसका अगेन पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। दो मिनटों में आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोविजन, जैसे आपको हर बार रिवाइज कराता हूं, कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये पार्टनर्स के डेबिट जाती है और ये जो सारी चीज़ें हैं पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट होती हैं। तो आज देखते हैं हम किस टाइप का क्वेश्चन है और किस से रिलेटेड हमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है। पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। मतलब सर, आपको पता है कि PSR का झगड़ा होता ही होता है, तो हम उसको लिख के चलते हैं। देयर कैपिटल्स आर 50,000। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुई तो इसी पर निकालनी पड़ेगी। सर, एग्जाम में ऐसे लिखना है कि बेटा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रफ वर्किंग है आपके लिए कर रहे हैं। चाहो तो इधर जो आप कॉलम बनाते हो वर्किंग नोट के लिए, वहाँ आप ये सब कर सकते हो, बट क्वेश्चन बार बार ना पड़ रहा है इसलिए मैं लिखता हूँ। एट द एंड ऑफ द ईयर एंडिंग इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 12% पर एनम। मतलब सर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। बेटा कहीं फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा है, तो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट से ही होंगी, करंट अकाउंट से नहीं होंगी। सैलरीज टू पी, तो याद रखने के लिए मैं यहाँ 500 रुपये पर मंथ, वैसे ज़रूरत नहीं है, सीधे एडजस्टमेंट करूँगा, और 1,000 रुपये पर मंथ मिलेगी आर को। ये है गाइस एडजस्टमेंट, और अब हमें करनी है इसकी एडजस्टिंग एंट्री। तो अगेन आपको पता है 3 कॉलम, एक पी का, एक क्यू का, एक आर का, और एक लास्ट मौज के लिए टोटल का। तो गाइस, पी के खाते में जो भी अमाउंट जाना है ये क्या होगा, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ये पर्टिकुलर्स का जो कॉलम है, यह मैं ऐसा नहीं करता हूँ इसको, इस बार मैं थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अलग कर देता हूँ आपके लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये सबको मिलेगी, तो 50,000 का 12% दैट इज 6,000 रुपीज़, 30,000 का 12% दैट इज 3,600 रुपये, और 20,000 का 12% दैट इज 2,400 रुपये। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट जो है वो है सैलरी। दोनों ही अमाउंट क्रेडिट होते हैं, दोनों ही अमाउंट क्रेडिट होते हैं, तो जो यहाँ पर ऐड करके आएगा वो क्या बोलूँगा मैं उसमें, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, सैलरी की कहानी क्या है गाइस, 500 रुपये पर मंथ, तो एक साल में मिलेगी बच्चे को 6,000, इसको कुछ मिलेगी नहीं, और इसको मिलेगी 12,000 रुपये। अल्टीमेटली जो हमारा टोटल आएगा इन दो तीनों का, तो 6 और 6 12,000, 12 और 6 18,000, ये 30,000 रुपये की एडजस्टमेंट करनी है हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1:1 में था। तो भाई सारे ही आइटम्स क्रेडिट के हैं, क्योंकि सैलरी भी उसके खाते में जाके क्रेडिट होनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होनी है। तो जो नेट इफेक्ट आएगा इसको बोलूँगा मैं अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, ऐसा लेके चलता था ना मैं, जिसको मैं क्रेडिट की नज़र से देखता था, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो ये मैं किस नज़र से देखूंगा इसको, क्रेडिट की नज़र से। बस कहानी वही है गाइस, यहाँ पर आइटम्स के नाम लिख दिए मैंने, क्योंकि एक से ज़्यादा आइटम थे इसलिए। 6 और 6 12,000, 3600 और 14,400, 14 और 12 24, 27, 14 और 12 26, 29, 31,000। इसी को क्या कर देंगे हम, अमाउंट हैज़ बीन या हैड बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड, किस तरीके से क्रेडिट हो चुका है इसको मैं कैसे देखूंगा गाइस, डेबिट की नज़र से। गाइस एक क्वेश्चन में मुझसे या दो क्वेश्चन में गलती हो गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले जो फंडे थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 45 था, और एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने दोनों जगह डेबिट की जगह एक जगह क्रेडिट लिख दिया है, शायद गलती से, मैं कल वीडियो देख रहा था तो देखा मैंने। अमाउंट हैड बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड में गाइस क्या करेंगे हम, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, तो 2:1:1 जो जाएगा 30,000 का, वो किस तरीके से जाएगा, 15,000, 7,500 और 7,500। यहाँ निकाल लेंगे हम नेट इफेक्ट, कौन डेबिट कौन क्रेडिट। तो गाइस 15 में से 12 गए 3,000, पर बड़ा कौन है, डेबिट का, तो ये बंद चीज़ हो जाएगी डेबिट। 7500 डेबिट का, 3600 क्रेडिट का, 3900 हो जाएगा आपका अगेन डेबिट। और बंदा 14,400 क्रेडिट का और 7500 डेबिट का, तो 6900 से हो जाएगा 6900 से क्रेडिट। तो मतलब पी और क्यू डेबिट होने चाहिए यहाँ पर, और आर क्रेडिट होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री बना देंगे हम, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर फिक्स्ड कैपिटल होती तो दोस्त काय में लेके जाते हैं हम इसको, करंट अकाउंट में, टू आर कैपिटल अकाउंट। 3,000, बहुत सरल क्वेश्चन था, अब तक क्वेश्चनों जैसे ही था, सिर्फ यहाँ एक की जगह 2 आइटम्स थे और दोनों ही क्रेडिट के थे, 6900 रुपये। बीन पास्ट प्रॉफिट्स
रेक्टिफाइड, सब में यही वाला आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। ओके दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50, जिसके दो पार्ट, एक 50 का ए है और एक 50 का बी। उन क्वेश्चंस को भी हम करने की कोशिश करते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखते हैं कौन सा है। सारे ही इंपॉर्टेंट है, करने तो सारे हैं आपको, बट फॉर प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आपके लिए, जब भी आप इस चैप्टर को करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2015 द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी आर 4 लाख और 2 लाख एक्सपेक्टिवली। दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स, मतलब कैपिटल कितनी है दोस्त, 4 लाख और 2 लाख रुपए। दे डिवाइड प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है दोस्त, तो पी एस आर यहीं पर लिख लोगे, क्योंकि हम बार बार क्वेश्चन को ना पढ़े। 4:2 यानी 2:1 भी बोल सकते हैं इसको, पी एस आर है हमारा 4:2। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तो कैपिटल भी लिख लो, और कैपिटल फिक्स्ड तो नहीं है बच्चे, नहीं है कहीं पर। कैपिटल है दोस्त 4 लाख और 2 लाख एट द रेट 12% पर एनम। सर देख तो लो, ये दे तो नहीं दिया बेटा, वर नॉट पास, ये कोई भी चीज़ नहीं हुई है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 12,000-10,000 और कमीशन 20,050। चलो ये देख देख के क्वेश्चन कर लेंगे हम। कहानी क्या गई, यहाँ पर एक बात समझना, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट में क्या होती है बंदे के, क्योंकि पीएटएल में डेबिट होती है। एक बार फॉर्मेट दिखाऊँ, इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, ये दोनों चीज़ें भी दी हैं हमें, सैलरी कमीशन ये भी क्या होंगी यहाँ पर क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगी डेबिट। मतलब सर इसमें पूरा पीएटएल अप्रोप्रिएशन है कैपिटल अकाउंट्स की तरह। हम इसको करेंगे कैसे, हम सारे क्रेडिट वाले आइटम तो एक बार लिख लेंगे स्टार्टिंग में, इसलिए मैं आपको बोलता था कि आपको सारी चीज़ पी क्यू आ रही है ना पार्टनर, कौन है ए और बी है, ए और बी। हाँ दोस्त, अब करेंगे क्या, सारे क्रेडिट वाले एक तरफ लिख लेंगे, मतलब सैलरी इंटरेस्ट कैपिटल और कमीशन, ये सब क्रेडिट होती है, तो पहले इनको लिख लो। सबसे पहले लिखो आप इंटरेस्ट कैपिटल, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे जैसे अभी अभी किया था हमने, इंटरेस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल आज का 12%, तो 4 लाख का 12% होगा 48,000 रुपये आई थिंक, और ये होगा 24,000 रुपये। नेक्स्ट बात करेंगे हम, कमीशन मिल रही है बी को और सैलरी मिल रही है ए को, तो इस कॉलम को हम एक ही में हो जाए हमारा, सैलरी ऑब्लिक कमीशन कितना कितना है, ए को सैलरी 50,000 और बी को कमीशन 20,000। गाइज अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता तो मैं इन्हीं का टोटल लगाता और शुरुआत कर देता, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के होने से क्या हो गया, पहले मैं एक बार टोटल करूँगा। सर ये क्यों कर रहे हैं आप, बेटा अभी बताता हूँ। टोटल करने से क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मेरा ब्लू पेन शुरू हो रहा है या रेड पेन हो तो रेड पेन शुरू कर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको फर्स्ट टाइम ऐसे सिखा रहा हूँ मैं, क्रेडिट के संग डेबिट का इफेक्ट ये आया है इससे पहले कभी। अब लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बेटा पार्टनर के खाते में क्रेडिट होती है, ये भी क्रेडिट होती है, पर ये क्या होती है डेबिट होती है, तो माइनस हो जाएगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन्होंने कैलकुलेट करके दिए हमको 12,000 और 10,000, तो हमारे पास जो नेट इफेक्ट आएगा वो आएगा 78,000 का और 38,000 का। मतलब नेट जो आपको क्रेडिट करना था, इसको मैं बोलता हूँ ना अमाउंट शुड बी क्रेडिट, वो ये वाला अमाउंट होगा, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, इतना इतना अमाउंट इनको क्रेडिट करना था, जिसको हम किस नज़र से देखते थे, क्रेडिट की नज़र से। इसका दूसरा नाम हो सकता है नेट इफेक्ट या नेट क्रेडिट। और अब चाहो तो टोटल वाले कॉलम को फिल कर दो, और नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है, मौज के लिए कर दे रहे हो, सब सही तो है। 48,50, 98,913, 1,42,000, 12 और 10 जरूरत नहीं है, बट लिखते रहें 22,000 माइनस का, तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ आएगी वो आएगी 1,20,000 रुपये का ये। और ये गाइज आपको किस में, पी एस आर आपका क्या है इस बार, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:2 यानी कैपिटल रेशियो हमारा, ये दिया नहीं था हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट कैपिटल रेशियो में दिया था, 4:2 में डाल देंगे इसको। क्या बोलूँगा मैं, अमाउंट हैड बीन, बताया था ना अगर ये चीज़ें नहीं हुई होंगी तो पूरा प्रॉफिट डल गया होगा, प्रॉफिट आपके किस रेशियो में गया होगा, कैपिटल रेशियो में, अमाउंट हैड बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड, और इसको मैं किस नज़र से देखूंगा दोस्त, डेबिट की नज़र से, तो 1,20,000 4:2 में बांटूंगा तो 6 से 20 कट जाएगा, 80,000 आ जाएगा यहाँ पर, और मुझसे यहाँ भी गलती हुई है, 98 में से 12 का 86,000 रुपये, वो यार खुद से नहीं 98 को 90 देख रहा था, 80,000 रुपये, और यहाँ आएगा बेटा 40,000 रुपये।
बच्चे 86 से क्रेडिट और 80 से डेबिट, तो 6000 से क्या होगा, क्या होगा, डेबिट का बढ़ा है क्रेडिट का बढ़ा है? सर क्रेडिट का बढ़ा है, क्रेडिट होगा। और यहाँ पर 40 का डेबिट और 34 का क्रेडिट, तो ये 6000 से बेटा डेबिट हो जाएगा, मतलब बी डेबिट टू ए। सही है दोस्त, हमारा आंसर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 6000 बींग पास प्रॉफिट्स रेक्टिफाइड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। जो हो गया आपका 50 का नेक्स्ट पॉइंट है 50 का बी। गाइज ये 50 का ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप हो सकता है, मतलब इससे आप कर बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो, इसलिए मैं इसे हैशटैग लगा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका 50 का बी, जो कि सिमिलरली मुझे ऐसा ही लग रहा है। कुमार एंड राजा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दिया हुआ है। देयर फिक्स्ड कैपिटल, गाइस फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिख लेना ताकि हम सारे ट्रांजेक्शन किससे कर सकें, करंट अकाउंट से 900000 एंड 400000, क्योंकि इंटरेस्ट में कैपिटल दिए पर उन्होंने दी नहीं होगी विदाउट प्रोवाइडिंग, देखो वर्ड है, जैसे ये वर्ड मिलेगा आपका पास एडजस्टमेंट टाइप क्वेश्चन पर नजर आ जानी चाहिए। एट द रेट कितने परसेंट, 9% पर एनम। और नेक्स्ट है गाइस कुमार को सैलरी और राजा को सैलरी, दोनों को सैलरी मिल रही है 50000 एंड 36000। इजी है क्वेश्चन, पहले वाले को बोले सर इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, सर इसमें तो प्रॉफिट दिया बेटा, दिया तो पिछले अभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोविजन बेटा बना के कर सकते हो चाहो तो, जैसा मैंने बता रखा उससे आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोविजन की एडजस्टमेंट प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बट अगर ऐसे समझ में आ गया तो ऐसे भी कर लो आप। कुमार राजा टोटल और पर्टिकुलर्स, एक बात बताओ पिछले क्वेश्चन के मुकाबले ज़्यादा है बेहतरीन है या उससे थोड़ा हल्का है? सर उससे थोड़ा हल्का है, यहाँ तो सिर्फ 2 एडजस्टमेंट दी थी, वहाँ 4 एडजस्टमेंट दी थी, वहाँ पूरा बी एन एल अप्रोविजन दिया था या आधा दिया हुआ है या सिर्फ और सिर्फ किसकी चीज़ ही दिया हुआ है? हम चाहें तो लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरे में सैलरी, 900000 का 9% हो जाएगा 81000 और 36000, 50000 रुपये सैलरी देनी है इसको, कुमार को ही देनी है ना 50000, और कुमार की 50000 राजा की 3000 पर मंथ, तो साल की हो जाएगी 36000 रुपये। चाहो तो इसको लिख लो टोटल को, चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली 131000 और 72000, मुझसे आज गलतियाँ क्यों हो रही हैं, उल्टी सीधी इधर का टोटल इधर, ये आ जाएगा आपका 203000। तो आपको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इसी रेशियो में करना है, दैट इज इसको बोलूँगा मैं अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, मतलब ये क्रेडिट वाला ये वाला, और इसी को बोलूँगा अमाउंट हैड बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड, ये हो जाएगा बेटा डेबिट वाला, ठीक है। 203000 को 7:3 में बांटूंगा तो कैसे आएगा, 203000 इंटू 7/10 तो 7 * 21 7 * 14 142100 100 तो यहाँ आएगा, इसी का 3 * 2 कर दूँ तो मैं 60900 यहाँ आ जाएगा। समझ आ रहा है दोस्त, बस सब क्या एडजस्टमेंट कर दो पूरे 203000 रुपए की, क्या करेंगे डेबिट का बड़ा है बेटा क्रेडिट का छोटा है, तो ये आ जाएगा आपको 11100, इधर भी इधर क्रेडिट का बड़ा है डेबिट का छोटा है, वो तो होना ही था सर बेटा, इधर डेबिट कर देंगे इसको पहले वाले को और इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब आपका कुमार डेबिट होगा, पर बेटा कैपिटल है करंट, सर करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल हम पहले ही लिख के चले थे। कुछ बच्चों को अगर लग रहा हो सर 11 से बहुत कठिन है, तो मैं बताऊं बेटा
कठिन सरल कुछ नहीं होता, डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी, योर प्रैक्टिस, योर कैपेसिटी टू रिटेन, एंड सबसे बड़ी बात योर डेडिकेशन, तुम्हारी लगन तुम्हें नया रास्ता दिखाएगी और तुम्हें ऐसी मंजिल तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कामना नहीं की होगी, बट करना आपको ही है, हम सिर्फ करा सकते हैं साथ में। बीइंग पास्ट प्रॉफिट्स रेक्टिफाइड थ्रू करंट अकाउंट्स। नरेशन लिखने की मुझे जानते हो आप, थोड़ा सा मैं आलस फील करता हूँ पर आपको नहीं करना है। 11,100 जय हिंद जय भारत गाइस। 50 का बीबी आपका हो चुका है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, 51 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना इफ़ द वीडियो डिजर्व्स। एंड गाइस होप सो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन अपडेट करता रहूँगा, जल्द से जल्द वीडियोज अपलोड होती रहेंगी। Love you to all of you. Be happy always.